हेलो फ्रेंड्स, बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। यह शरीर के लिए टॉक्सिक होता है और इस कारण इसका निष्कासन लीवर द्वारा कर दिया जाता है। यदि किसी वजह से बिलिरुबिन का निष्कासन नहीं हो पाता है तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे जॉन्डिस या पीलिया कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि बिलिरुबिन की कितनी मात्रा बढ़ जाए तो पीलिया कहा जाता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में बिलिरुबिन का लेवल 1 mg/dL से कम होना चाहिए, किंतु यदि इसका मान 2 mg/dL से अधिक हो जाता है तो उसे जॉन्डिस या पीलिया कहा जाता है। किंतु बच्चों में ऐसा नहीं है, बच्चों में इसका सामान्य मान एडल्ट के मुकाबले अधिक किंतु सामान्य होता है, जो बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप एडल्ट के बराबर आ जाता है। जन्म से लेकर एक दिन के बच्चे का नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल 2 mg/dL से 6 mg/dL तक सामान्य होता है, अर्थात एक दिन के बच्चे का यदि बिलिरुबिन लेवल 5 mg/dL है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। इसी प्रकार 1 से 2 दिन के बच्चे का बिलिरुबिन लेवल 6 से 10 mg/dL सामान्य होता है। इसी प्रकार 3 से 5 दिन के बच्चे का बिलिरुबिन लेवल 4 से 8 mg/dL सामान्य होता है। यदि बच्चा प्री मैच्योर है, अर्थात गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पूर्व ही प्रसव हो गया है, तो यह बिलिरुबिन लेवल और भी अधिक हो सकता है। जैसे जन्म से एक दिन के बच्चे का बिलिरुबिन लेवल 1 से 8 mg/dL, 1 से 2 दिन के बच्चे का बिलिरुबिन लेवल 6 से 12 mg/dL और 3 से 5 दिन के बच्चे का बिलिरुबिन लेवल 10 से 14 mg/dL होता है। थैंक यू।